हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बीना और आज मैं ट्रायो बाय मिल्टन की ये स्टील का कढ़ाई है इसका मैं रिव्यू आज एक ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी आप लोगों के साथ। दोस्तों, जनरली हमारे घर में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है या हिंडालियम की कढ़ाई होती है या फिर नॉनस्टिक की कढ़ाई होती है जिसमें एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम दोस्तों बहुत ही टॉक्सिक होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। कोई भी एसिडिक चीज़ जैसे कि टोमेटो, जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने खाने में, वो उसके साथ रिएक्ट होता है और टॉक्सिन्स बनाता है जो अल्टीमेटली हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम के कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर हैं। तो दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन जो कुकवेयर हमारे किचन के लिए होता है, वो रफ एंड टफ यूज़ के लिए, वो होता है ये स्टेनलेस स्टील। लेकिन स्टेनलेस स्टील की एक समस्या होती है कि ये हीट बहुत जल्दी हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा खाना बहुत जलने लग जाता है, ज़रा सा भी आँच तेज़ या कम धीमी आँच पे भी जलता है। तो दोस्तों, ये जो समस्या है, इस समस्या को ये जो ट्रायो बाय मिल्टन की जो कढ़ाई है, इन्होंने सॉल्व कर दिया है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये 3-ply स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैं इसे डिश वॉशर में धोती हूँ, इसीलिए ये बहुत अच्छी तरीके से चमकता रहता है। दोस्तों, इसमें ये बहुत ही भारी कढ़ाई है, ये अराउंड 1.7 किलो इसका वज़न है। ये 3-ply टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जो पहला वाला जो ऊपर का जो पोर्शन है, वो बहुत ही हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील से बहुत मोटा परत बना हुआ है। उसके बीच में एल्यूमिनियम की एक परत है और जो ये पीछे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये भी हैवी ड्यूटी स्टील मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील है, जिससे कि ये इंडक्शन कुकर पे, इंडक्शन पे भी ये जल जाता है, कंपैटिबल है। तो दोस्तों, ये जो इसका अंदर वाला जो स्टील का पोर्शन है, ये आप कितना भी घिसिए, ये बिल्कुल नहीं जाने वाला, इसकी एल्यूमिनियम की परत कभी भी नहीं आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, ये काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी मतलब अगर मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, तो इस वजह से मुझे इसमें हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे अगर आपको चाहिए तो सेम यही ट्रायो की कढ़ाई विथ हैंडल है। ये बड़ा साइज़ है, छोटे साइज़ में भी है, दो साइज़ इसके, दो साइज़ अवेलेबल हैं, एक इससे छोटा है और एक ये है, और उसमें हैंडल्स भी लगे हुए हैं। और ये मुझे ये पतले लिड्स वाले पसंद हैं, आपको चाहिए तो प्रॉपर लिड्स जिसमें कि हैंडल है वो वाला भी अवेलेबल है। रहेगा सब कुछ सेम, कढ़ाई सेम रहेगी, सिर्फ उसका लिड और हैंडल बदलेगा। तो दोस्तों, आपको याद केवल एक चीज़ रखना है कि एल्यूमिनियम जो होता था, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, उसको बहुत ज़्यादा हीट लगता था, तो उसको हम तेज़ आंच भी करते थे तो उसमें खाना जलता नहीं था, क्योंकि उसको ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है हीट अप होने के लिए। लेकिन ये जो स्टेनलेस स्टील है, ये जल्दी हीट हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आँच हमेशा कम रखें, ये कढ़ाई आपको कम आंच पे वही रिजल्ट देगा जो आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या नॉर्मल जो हमारे पास हमारे किचन्स में जो कढ़ाई है, उस कढ़ाई को यूज़ करके जो रिजल्ट्स मिलते हैं, ये कढ़ाई वो आपको सेम रिजल्ट देगा। तो सिर्फ अगर इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका फ्यूल भी बचेगा, खाना भी नहीं जलेगा और खाना नॉन टॉक्सिक बनेगा। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये कढ़ाई चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, बेधड़क खरीद सकते हैं। और अगर आपके भी खरीदने के बाद अगर कुछ रिव्यू है या कोई सजेशन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।